क्या वाकई शुक्र ज्येष्ठा नक्षत्र में बलवान है? आंसर मिलेगा आज इस क्वेश्चन का, आज के इस प्रेडिक्शन में। श्री गणेश आप सबकी कुशलता चाहते हैं। मैं हूँ नरेश खत्री, नक्षत्र बेस राशिफल में आप सबका स्वागत है। शुक्र अभी वृश्चिक राशि में चल रहे हैं। लव मैटर के कारक वीनस अभी अनुरथ नक्षत्र में चल रहे हैं। आज 20 अक्टूबर 2024 हैं और शुक्र का भ्रमण ज्येष्ठा नक्षत्र में होने वाला है 26 अक्टूबर 2024 को रात को 1:07, यानी कि इंडिया में तारीख 27 हो जाएगी। और ये 6 नवंबर की मिडनाइट तक, यानी कि इंडिया में तारीख 7 तारीख तक ये चलेंगे। तो 27 से लेकर 6 तारीख तक समझो, तो 27 और 4 31, और 31 4 और 6 10 दिन का जो ट्रांजिट है ज्येष्ठा नक्षत्र में, ये जानते हैं राशि से नक्षत्र से हम सबको क्या परिणाम देने वाले हैं इसके बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर, क्या वाकई शुक्र ज्येष्ठा नक्षत्र में बलवान है? तो इसका आंसर है ना, नो। क्यों? अब दूसरा क्वेश्चन आपका आया, क्यों? क्योंकि ये बुध का नक्षत्र है और बुध और शुक्र आप सबको मालूम है कि परम शत्रु है। तो एनिमी नक्षत्र में कोई भी ग्रह जाते हैं, शत्रु नक्षत्र में जाते हैं, तो वो अपना जो फल है उसकी देने की कैपेसिटी कम हो जाती है। फिर भी वर्ड के ऊपर बहुत ध्यान देना, शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर भी ज्येष्ठा नक्षत्र में किसी किसी जातक को ये लाभ करने वाले हैं, किसी किसी जातक को ये बहुत नुकसान करने वाले हैं। प्रिडिक्शन को आखिर तक देखना बहुत जरूरी है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा किसको लाभ होगा किसको होगा नुकसान। ज्येष्ठा नक्षत्र की बात करते हैं। वृश्चिक राशि का ये नक्षत्र है ज्येष्ठा, जिसके कमांडर है बुध, इसकी नाड़ी है आद्या, इसका गण है राक्षस। और बुध का नक्षत्र है तो थोड़ा कोल्ड तो होगा, लेकिन बातें ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे और लड़ाई करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी लव रिलेशनशिप में है जातक, ये कुछ ऐसा महसूस करेंगे कि अपने लव वन के साथ बात बात करते करते कुछ झगड़ा हो जाता है, कुछ क्वारलिंग हो जाता है, कुछ स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। और जिनके लिए भी विपद में होंगे, वध में होंगे, ऐसे जातक कुछ ज़्यादा महसूस करेंगे। तो आइए समझते हैं राशि से और नक्षत्र से। प्रथम राशि मेष राशि से शुरुआत करते हैं। शुक्र आपके 8वें स्थान में है। वैसे तो कुंडली के 8वें स्थान में शुक्र का फल एक्सट्रीमली शुभ माना जाता है, लेकिन ये जो राशि है वृश्चिक राशि, ये जल तत्व की राशि है, पानी वाली राशि है। अब वीनस इज द प्लेनेट ऑफ फायर पावर, फायरिंग इफेक्ट है। अब एनर्जी पानी में गई तो डिसअपॉइंटिंग करेंगे लव मैटर में। मेष राशि के लिए डिसअपॉइंटिंग इन लव मैटर,
नक्षत्र में क्या बोलते हैं, अश्विनी के लिए ये अति मित्र नक्षत्र होगा, फिर भी थोड़ा ठीक है अश्विनी के लिए। भरणी के लिए भी मित्र नक्षत्र हैं, ठीक ठीक बोल सकते हैं, लेकिन मेष कृतिका के लिए जो एक्सट्रीम फायरिंग इफेक्ट वाला नक्षत्र है मेष कृतिका, क्योंकि प्रथम चरण अग्नि देवता आग उबलने वाला है और ये यहाँ पर शुक्र अष्टम स्थान में जल तत्व की राशि में ट्रेमेंडस डिसअपॉइंटिंग करेंगे लव मैटर में, इसके साथ साथ फाइनेंशियल मैटर में, पारिवारिक रिलेशन में, अपने इन लॉस के साथ रिलेशन में। टॉरस यानी कि वृष राशि के लिए शुक्र सप्तम स्थान में है, लेकिन कृतिका नक्षत्र के लिए इसका फल ठीक नहीं है, क्योंकि आपके लिए ये वध नक्षत्र में है। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल इन कम्युनिकेशन विथ योर पार्टनर, अन्यथा लड़ाई झगड़ा का माहौल जबरदस्त बढ़ सकता है। और जो भी जातक पब्लिक लाइफ में है, पॉलिटिक्स में या कोई भी प्रकार से पब्लिक लाइफ में है, पब्लिक स्पीच का काम करते हैं, ऐसे जातकों को तो बहुत केयरफुल रहना होगा, अन्यथा आपके कुछ कंट्रोवर्सी बयान के कारण बहुत कंट्रोवर्सी में आप पब्लिक लाइफ में जा सकते हैं। तो वृषभ रोहिणी के लिए ये साधक नक्षत्र होगा, तो रोहिणी वाले जातकों के लिए शुभ फल देने वाले हैं, सक्सेस देने वाले हैं, पार्टनर से लाभ करने वाले हैं। जबकि वृषभ वृक्षिरा के लिए पार्टनर के साथ ऑपोजिशन है, क्योंकि आपका ये प्रत्यारी नक्षत्र है। मिथुन राशि के लिए ट्रांजिट 6th हाउस में होगी, शत्रु विजय, लेकिन नक्षत्र ट्रांजिट क्या बोलती है इसके बारे में भी जानते हैं, तो पिक्चर क्लियर कट हो जाएगा। तो मिथुन राशि के लिए मृगशिरा के लिए प्रत्यारी है, यानी कि 6th हाउस जो कि आपके साथ में काम करने वाले हैं सह कर्मचारी गण, उनके साथ आपका ऑपोजिशन हो सकता है, मामा मौसी के साथ हो सकता है, आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ हो सकता है। आद्रा के लिए तो इसका फल बिल्कुल ठीक नहीं है, आद्रा के लिए तो अभी अनुराधा में चल रहे हैं वो भी ठीक नहीं है, और ज्येष्ठा में चलने वाले हैं वो भी ठीक नहीं है, और पुनर्वसु के लिए भी ये विपत्त नक्षत्र होगा। तो मिथुन राशि वाले तमाम जातकों के लिए एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं, क्योंकि शुक्र खर्च करवाने वाले ग्रह हैं और खर्च जबरदस्ती करना पड़ सकता है, चाहे आपकी लव वन के लिए हो, चाहे आपके डॉटर के लिए हो, चाहे आपके मदर के लिए हो, चाहे आपके सिस्टर के लिए हो, चाहे आपके संतानों के लिए हो, आपको खर्चा करना पड़ेगा, आपका सेविंग कम होगा, तो उसके कारण आपको टेंशन तनाव आ सकता है। और वैसे भी दिवाली है, आप सबको मालूम है, तो खर्च तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि दिवाली में सबको नया कपड़े चाहिए, जो भी है मतलब एसेसरी वॉट एवर, तो खर्च आपका बढ़ेगा, अनकंफर्टेबिलिटी आपकी बढ़ेगी, एक्सपेंसेस ज़्यादा होने के कारण मिथुन राशि के लिए कुछ ऐसा देखने में आ रहा है। कर्क राशि के लिए शुक्र पंचम भाव में है, पुनर्वसु के लिए ये विपत् नक्षत्र है, डिसअपॉइंटिंग इन लव मैटर, लेकिन सबसे ज़्यादा शुभ फल मिलेगा हु आर बॉर्न इन पुष्य नक्षत्र। पुष्य वाले जातकों के लिए इसका फल एक्सीलेंट होगा। कर्क पुष्य के लिए आपके जो लव वन हैं ये आपको कुछ जबरदस्त बेनिफिट देने वाले हैं। कर्क आश्लेषा के लिए भी जन्म तारा है, आपके लिए भी बहुत शुभ फल है। सिंह राशि के लिए सुख स्थान में शुक्र है, आपके सुख स्थान में जो शुक्र है कहीं ना कहीं सुख में वृद्धि करने वाले हैं, इसमें खास करके प्रॉपर्टी रिगार्डिंग आपके कार्य बन सकते हैं।
माता से लाभ रहेगा। मघा वाले जातकों के लिए ये अति मित्र नक्षत्र है, बहुत अच्छा फल मिलेगा। पूर्व फाल्गुनी के लिए मित्र है, जबकि उत्तर फाल्गुनी के लिए ये वाद नक्षत्र है। तो कहीं ना कहीं सी उत्तर फाल्गुनी के लिए ये ज़्यादा एक्सपेंसेस करवाने वाला टाइम होगा, पर्टिकुलरली इन प्रॉपर्टी। या तो वाहन में कुछ खर्च आ सकता है, या तो माता के लिए कुछ खर्च हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा महसूस करेंगे। कन्या राशि के लिए जो ट्रांजिट है, शुक्र का पराक्रम भुवन में है, साहस भुवन में है, आपकी भुजाओं के ऊपर है, तो ये ट्रांजिट आपके साहसिकता बढ़ाने वाली है। फिर भी कन्या उत्तर फाल्गुनी के लिए एक्सपेंसेस रहेंगे, अपने भाई बहन या कुछ न्यू वेंचर के लिए, वेंचर में कुछ डिस्टर्बेंस भी आ सकता है क्योंकि शुक्र आपके वाद नक्षत्र में है। तो कन्या हस्त के लिए इसका फल एक्सीलेंट होगा, आपकी साहसिकता बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके भाग्य में वृद्धि होने वाली है। कन्या चित्रा के लिए प्रत्यारी नक्षत्र है, ओपोजिशन भाई बहन या नेबर्स के साथ। तुला राशि के लिए शुक्र धन भाव में है, तुला चित्रा के लिए पारिवारिक सदस्यों के साथ भारी ओपोजिशन। तुला साथी के लिए सेम तारा है, लेकिन तुला विशाखा के लिए ये विपत नक्षत्र है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस तनाव पारिवारिक मामलों को लेकर या फाइनेंशियल मैटर को लेकर हो सकता है। वृश्चिक राशि के लिए शुक्र अपनी ही राशि में है, वृश्चिक विशाखा के लिए इसका फल ठीक नहीं होगा क्योंकि विपत नक्षत्र में है, तो पार्टनर कुछ आपको ज़्यादा खर्चा करवाएंगे ऐसा हो सकता है, लेकिन अनुराधा के लिए इसका फल एक्सीलेंट होगा। हु आर बॉर्न इन अनुराधा, आपके लिए ट्रांजिट एक्सट्रीमली बेनिफिशियर है, आपको पार्टनर से लाभ रहेगा, पब्लिक लाइफ में मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, कोई नया लव वन भी आपको मिल सकता है। ज्येष्ठा के लिए भी इसका फल एक्सीलेंट है, जब जन्म के चंद्र के ऊपर शुक्र हो, इट्स कॉल्ड वैभव लक्ष्मी योग, तो ये फल आपके लिए एक्सीलेंट देने वाले हैं। धनु राशि के लिए शुक्र 12वें स्थान में है, एक्सपेंसेस आपके बढ़ाने वाले हैं। मूला के लिए अतिमित्र नक्षत्र है, लेकिन कैसा अतिमित्र है, शत्रु तारा वाला अतिमित्र है, जिसके कारण जो अनकंफर्ट जोन रहेगा एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे। पूर्व शाड़ा के लिए भी मित्र नक्षत्र है, लेकिन 12वें स्थान में शुक्र कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस आपके बढ़ाने वाले हैं। और धनु उत्तर शाड़ा के लिए तो और भी ज़्यादा खर्चा होगा क्योंकि आपके वध नक्षत्र में हैं, तो आपको ज़बरदस्ती कुछ खर्चा करना पड़ेगा। कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर या आपके संतान ऐसी जिद करें कि हमको ये लेना है, हमको ये करना ही है, हमको बाहर घूमने जाना ही जाना है, तो आपको आपका सेविंग मतलब जो भी है उसको थोड़ा तोड़ के भी सबका एक्सेप्टेशन पूरा करना होगा, और इसके कारण थोड़ा सा तनाव आपका बढ़ सकता है। मकर उत्तराषाढ़ के लिए सेम थिंग, पार्टनर के साथ पार्टनर के ऊपर खर्चा आपका ज़्यादा रहेगा। मकर श्रवणा के लिए इसका फल एक्सीलेंट है, पार्टनर से लाभ रहेगा। मकर धनिष्ठा के लिए पार्टनर के साथ ऑपोजिशन है। कुंभ राशि के लिए जो शुक्र हैं 10th हाउस में हैं, तो आपके लिए जो ट्रांजिट है 10th हाउस के अंदर, ये सॉरी कुंभ राशि के लिए जो ट्रांजिट है ये कुंभ राशि के लिए जो ट्रांजिट है शुक्र का, ये 10th हाउस में है, राइट। तो कुंभ धनिष्ठा के लिए प्रत्यारी नक्षत्र है, फादर के साथ या मदर के साथ थोड़ा सा ऑपोजिशन हो सकता है, लेकिन कुंभ सतविशा के लिए एक सेम तारा रहेंगे, तो एक्सीलेंट सतविशा वाले जातकों को इसका फल एक्सीलेंट मिलेगा,
लेकिन कुंभ पूर्व भाद्रपद के लिए ये विपत नक्षत्र है, तो काम तो होगा लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस और तनाव के साथ होगा। तो मीन राशि के लिए शुक्र भाग्य स्थान में रहेंगे, तो भाग्य स्थान में जो है ट्रांजिट, ये आपके लिए भाग्य में वृद्धि करने वाला है, लेकिन फिर भी मीन पूर्व भाद्रपद के लिए यात्रा प्रवास ट्रैवलिंग में बहुत केयरफुल रहना होगा, कुछ सामान गिर ना जाए, कुछ चोरी ना हो जाए, उसका केयर करना पड़ेगा। मीन उत्तर भाद्रपद के लिए ज़बरदस्त भाग्य वृद्धि होने वाली है, और मीन रेवती के लिए ये नक्षत्र जो है जन्म तारा है, तो आपके लिए भी इसका फल एक्सेलेंट होगा। तो आशा करते हैं आपको ये प्रेडिक्शन पसंद आ गया, समझ में आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने मित्रों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि माध्यम से इसको शेयर करना है। ज्ञान को बांटना एक पुण्य का काम है। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है। नमस्कार।